हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे तुम ज़्यादा नखरे कर रही हो, ज़्यादा नखरे मत करो, तुम बहुत नखरे करने लगी हो। तो चले देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, टू मेक टेंट्रम, इसके मीन्स होता है नखरे करना। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, फिर ज़्यादा के लिए हम अलॉट ऑफ लिखेंगे अगर ज़्यादा रहेगा तो, फिर उसके बाद टेंट्रम्स लिखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा नखरे मत करो, कह रहे हैं ज़्यादा नखरे मत करो। डोंट मेक अलॉट ऑफ टेंट्रम्स, डोंट मेक अलॉट ऑफ टेंट्रम्स। अगला वाक्य देखिए, तुम नखरे बहुत कर रही हो, तुम नखरे बहुत कर रही हो। यू आर मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स, यू आर मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स। अगला वाक्य देखिए, तुम ज़्यादा नखरे क्यों कर रहे हो, तुम ज़्यादा नखरे क्यों कर रहे हो। वाई आर यू मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स, वाई आर यू मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स। अगला बात देखिए, तुम बहुत नखरे करने लगी हो, तुम बहुत नखरे करने लगी हो। यू हैव स्टार्टेड मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स, यू हैव स्टार्टेड मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स। अगला बात देखिए, क्या मैं बहुत नखरे कर रही हूँ, क्या मैं बहुत नखरे कर रही हूँ। तो एम आई मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स, एम आई मेकिंग अलॉट ऑफ टेंट्रम्स। गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।